अभी सावन महीना चल रहा है और इस माह में शिव जी के मंदिर के दर्शन और पूजा करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस मंदिर के संबंध में ये मान्यता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था, यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया था। ये मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जिन शिव भक्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले 4 और ज्योतिर्लिंगों के बारे में उन्हें नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पिछले 7 ज्योतिर्लिंग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। यहाँ प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहल्या के पति ऋषि गौतम रहते थे और तपस्या करते थे। क्षेत्र में कई ऐसे ऋषि भी थे जो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। सभी ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित में देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू कर दी। ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने और माता पार्वती वहाँ प्रकट हुए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम ने भगवान शिव से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा कि यदि शिव जी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी वह यहाँ रहेंगी। गंगा के ऐसे कहने पर शिव जी यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने को तैयार हो गए और गंगा नदी गौतमी के रूप में वहाँ बहने लगी। गौतमी नदी का नाम गोदावरी भी है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर बहुत ही प्राचीन है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। ये 3 शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास 3 पर्वत स्थित हैं, जिन्हें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मगिरी को शिव स्वरूप माना गया है। नीलगिरी पर्वत पर नील अंबिका देवी और दत्ताक्षरे गुरु का मंदिर है। गंगा द्वार पर्वत पर देवी गोदावरी या गंगा का मंदिर है। मूर्तियों के चरणों से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है और एक कुंड में जमा होता रहता है। मंदिर के पास ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है। उत्तर भारत में पाप नाशिनी गंगा का जो महत्व है, वही दक्षिण में गोदावरी का है। जिस तरह गंगा अवतरण का श्रेय महातेजस्वी भागीरथी जी को जाता है, वैसे ही गोदावरी का प्रवाह ऋषि श्रेष्ठ गौतम जी की महान तपस्या का फल है, जो उन्हें भगवान आशुतोष से प्राप्त हुआ था। बृहस्पति के सिंह राशि में आने पर यहाँ बड़ा कुंभ का मेला लगता है और श्रद्धालु गौतमी गंगा में स्नान करके तथा भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर के दर्शन कर अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। शिव पुराण में वर्णन है कि गौतम ऋषि तथा गोदावरी और सभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने
इस स्थान पर निवास करने का निश्चय किया और त्र्यंबकेश्वर के नाम से विख्यात हुए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की अद्भुत और मुख्य बात यह है कि इस ज्योतिर्लिंग के तीन मुख यानी तीन सर हैं, जिन्हें भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र के रूप में माना जाता है। इस लिंग के चारों ओर एक रतन जड़ित मुकुट रखा गया है, जिसे त्रिदेव के मुखौटे के रूप में माना गया है। इस मुकुट में हीरा, पन्ना और कई बेशकीमती रतन लगाए गए हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में इसको सिर्फ सोमवार के दिन शाम 4 से 5 बजे तक दर्शन करने वाले लोगों को दिखाया जाता है। गोदावरी नदी के किनारे बने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थर से किया गया है। भव्य त्र्यंबकेश्वर इमारत सिंधु आर्य शैली का अद्भुत नमूना है। इस मंदिर के भीतर एक गर्भगृह है, जिसमें प्रवेश करने के पश्चात शिवलिंग आंखों के सामने दिखाई देते हैं, जिसमें जल भरा रहता है। यदि ध्यान से देखा जाए तो इसके भीतर 1 इंच के 3 शिवलिंग दिखाई देते हैं। इन तीनों शिवलिंगों को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियां बनाई हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थर से बनाया गया है। इस मंदिर के पंचकोशी में काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नाग बलि की पूजा संपन्न होती है, जिसे भक्तजन अलग अलग मुराद पूरी होने के लिए करवाते हैं। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण 3रे पेशावा बालाजी अर्थात नाना साहब पेशावा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार द्वार 1755 से शुरू हुआ था और 31 साल के लंबे समय के बाद 1786 में जाकर पूरा हुआ। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर में 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे इसके निर्माण में, जो उस समय काफ़ी बड़ी रकम मानी जाती थी। उत्सव इस भ्रमण के समय त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी सोने के मुकुट को पालकी में बैठाकर गांव में घुमाया जाता है। फिर कुशावृत तीर्थ स्थित घाट पर स्नान करवाया जाता है। इसके बाद मुखौटे को वापस मंदिर में लाकर हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। ये पूरा दृश्य त्र्यंबकेश्वर महाराज के राज्याभिषेक सा महसूस होता है। इस यात्रा को देखना बेहद अलौकिक अनुभव है। कुशावृत तीर्थ की जन्म कथा काफ़ी रोचक है। कहते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत पर गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाती थी। गोदावरी का पलायन रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद लेकर गोदावरी को बांधकर वहां बांध दिया था। इसके बाद से ही इस कुंड में हमेशा लबालब पानी रहता है। इस कुंड को कुशावृत तीर्थ के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं आपको हमारा ये चैनल पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो जल्दी से हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको
इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और हमें कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है। धन्यवाद।